भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार विगत 4 विधानसभा चुनाव में लगातार जनता का आशीर्वाद लेकर के बिहार की सेवा में कार्य कर रही है। इस शासन की प्रक्रिया में बिहार की अनेक व्यवस्थाओं में सुधार, सामाजिक सुधार, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रही है। दोनों दल आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए और एक ही मिशन के नाते कि बिहार में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़े, लगातार निरंतर विगत 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अनेकों विकास और कल्याणकारी योजनाएं बिहार के लिए विशेष रूप से लागू हुई। आज सुबह भी मैं केंद्र सरकार के श्रम विभाग के द्वारा बने हुए ईएसआईसी के अस्पताल जो और मेडिकल कॉलेज जो बिहटा में स्थापित किया गया और जिसका शीघ्र ही आने वाले समय में उसका उद्घाटन करने गया था और आज उसके उद्घाटन होगा, उसका आज मैं निरीक्षण करने गया था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और एक 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवां किशनगंज, आठवां कटिहार, नौवां सहरसा, दसवां गोपालगंज, ग्यारहवां बेगूसराय, बारहवां समस्तीपुर, तेरहवां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, दसवां नवादा, ग्यारहवां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। अब वो दोनों नेता तय करके सहमति बन गई सर। हाँ, सहमति बन गई। कितने सीटों पर सर? उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, घटक दल को दिया जाएगा सीट, घटक दल इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एनडीए में सब ठीक ठाक हो गई है ना सर? पहले भी ठीक था, गड़बड़ था, लोग कहा है पकड़ लिए, बताइए ना लोग। कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, हम लोग विमर्श कर रहे, विमर्श तो चलता ही रहता है जब संयुक्त रूप से। सर माजी मुकेश सहनी को भी रखा जाएगा, मुकेश सहनी को सीट मिलेगी। ये देखिए दोनों दल के नेता तय करेंगे फिर, और जो दल है उसको अलग अलग दलों से जुड़े हुए। सर बीजेपी के पास जितना सीटिंग सीट है सर वो रिटेन कर रही है? वो संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सारी बात आपको। सर और किसी मुद्दे पे भी चर्चा हुई? कई सारे मामलों पे विवाद चल रहा था सर, उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेके। नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में हम लोग क्यों करेंगे, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहे हैं। सहमति लगभग बन गई सर? सहमति तो पूर्व से ही बनी हुई है।